हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अंजना ठाकुर और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन का पार्ट टू, जिसके अंदर हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के बारे में। आज विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो विटामिन्स क्या होते हैं हमारे, इसकी खोज किसने की? फंक ने की, ये याद रखना है। फंक ने इसकी खोज की 1912 के अंदर। और विटामिन जो हमने पढ़े थे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने दो तरह के पढ़े थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि हमारे शरीर को ज्यादा अमाउंट में उनकी जरूरत रहती है, एनर्जी हमें देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और विटामिन क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को इनकी स्मॉल क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है। इनकी जरूरत कैसी होती है? स्मॉल क्वांटिटी में होती है। और इनका काम क्या रहता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम करते हैं। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को देते हैं। तो विटामिन हमारे क्या हो गए? प्रोटेक्टिव फूड, ये बहुत जरूरी होते हैं। 13 तरह के विटामिन होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो कौन कौन से होंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इन विटामिन का हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल रहता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। आगे हम देखते हैं, देखिए विटामिन कौन कौन से हमारे रहते हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी, तो ये मेन 6 तरह के विटामिन होते हैं। आगे विटामिन बी की जो टाइप रहती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, तो ये टोटल कितने? 13 विटामिन हमारे एसेंशियल विटामिन होते हैं। इनको हम देखते हैं, विटामिन दो तरह के होते हैं। देखिए दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं वाटर सोल्युबल, एक होते हैं फैट सोल्युबल। यानी एक होते हैं जो पानी में घुलने वाले होते हैं और एक होते हैं जो फैट में, वसा में घुलनशील होते हैं। अब जो पानी में घुलने वाले होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी को छोड़कर बाकी के ये जो सारे हैं ए डी ई के, ये सारे होते हैं फैट सोल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन ये रहते हैं। और जो वाटर सोल्युबल विटामिन है, बी एंड सी विटामिन है, ये हमें डेली लेने पड़ते हैं हमारे खाने में, डेली हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, एक्सेप्ट बी ट्वेल्व को छोड़कर बाकी के जो भी बी एंड सी विटामिन है ये हमें डेली कंज्यूम करने चाहिए। और जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं ये डेली कंज्यूम करने की जरूरत इनको नहीं होती, ये हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं और ये हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। स्टोर कहाँ पर रहते हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर ये हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। इन सब विटामिन को हम 1x1 समझते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल उसको बोलते हैं। रासायनिक नाम भी याद रखने हैं, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, और हमारे नॉर्मल विजन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए जरूरी रहता है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे विजन के लिए रहता है, हमारी आंखों के लिए रहता है। और विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा किन चीजों से मिलता है, कौन से इनके अच्छे सोर्स रहते हैं? तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम सब्जियों की वनस्पति से मिलने वाले विटामिन ए की बात करें तो गाजर से सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और फ्रूट्स में पाया जाता है, येलो फ्रूट्स, मैंगो के अंदर पाए जाते हैं, ऑरेंज, इसके अलावा टमाटो के अंदर, नट्स होता है, और जो एनिमल सोर्स जिसके रहते हैं उसमें लीवर के अंदर फिश ऑयल है, फिश के अंदर, या फिर इसके अलावा मिल्क है, तो इन सब चीजों में भी हमारे विटामिन ए पाया जाता है। अंडों में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, तो ये सारे क्या है, इसके सोर्स रहते हैं। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है, आंखों के लिए जरूरी रहता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या रहता है कि रात के टाइम पर दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा हाइपर कैराटोसिस, कैराटोमलेशिया, ये सारी चीजें भी होती है। और एक और रोग इसमें होता है जीरोफ्थैल्मिया, तो ये भी याद रखना है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमने, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। फिर नेक्स्ट विटामिन डी, तो विटामिन डी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विटामिन डी
और क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्रॉल, इसका रासायनिक नेम क्या है, कैल्सीफ्रॉल। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, सनशाइन विटामिन इसको बोलते हैं। और इसका काम क्या रहता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ये कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, ठीक है, हमारी जो बोन्स है, टीथ है, इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और विटामिन डी हमें किन चीजों से मिलती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और इसके अलावा जैसे मछली से मिलती है, ठीक है, फिश से मिलती है, फिश ऑयल से मिलती है, और दूध, मछली, अंडे, इन सब चीजों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। लगभग 75% जो हमें विटामिन मिलती है वो सनलाइट से मिलती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो सकता है, और इसके अलावा ऑस्टोमलेशिया एंड रिकेटस, ये दो रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। जो रिकेटस है ये हमारे बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, बच्चों के अंदर रिकेटस होता है, जिसमें जो बोन्स होती है वो बच्चों की बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, और ऑस्ट्रोमलेशिया जो एडल्ट्स के अंदर जो बोन्स है वो कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये दो रोग हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। फिर नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफिरोल। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि ये ज्यादातर हमारे स्किन में, हमारे हेयर में पाया जाता है, हमारी ब्यूटी को एनहेंस करता है, तो ब्यूटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, हमारी बॉडी, ब्रेन और स्किन की हेल्थ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। और ये इसमें क्या रहता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहती है। और विटामिन ई हमें किन किन चीजों में मिलता है, जैसे हरी सब्जियों में पाया जाता है, अनाजों में, ज्यादातर अनाजों में पाया जाता है, और जो भी अंकुरित बीज रहते हैं, फल, सब्जियों, इनमें पाया जाता है, जैसे हमारे नट्स है, नट्स के अंदर भी पाया जाता है, सीड्स एटसेट्रा, ठीक है, इन सब चीजों में हमारे विटामिन ई पाया जाता है। और इसकी कमी से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हिमोलाइसिस एंड स्टरलिटी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। विटामिन ई की कमी से इनफर्लिटी, इसको इसको ही क्या बोलते हैं, इनफर्लिटी, यानी कि विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो पर्सन जो है वो बच्चा प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होता है, बांझपन हो जाता है, इनफर्लिटी या फिर स्टरलिटी बोल सकते हैं। और विटामिन ई को ही एंटी स्टराइल विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि जब विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है तो पर्सन जो है वो बच्चा प्रोड्यूस करने में एबल हो जाता है, तो ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये विटामिन जो है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको एंटी स्टरलिटी विटामिन बी बोलते हैं, एंटी एंटी स्टरलिटी विटामिन बी इसको बोलते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो विटामिन ई टोकोफिरोल इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो विटामिन के जो है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अगर कहीं हमें कट लग जाता है तो हमारे ब्लड को ज्यादा बहने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। और विटामिन के हमारे ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, और अंकुरित अनाज जो रहते हैं उनमें पाया जाता है, और टमाटोज है, ब्रोकली, चेस्टनट है, कैश्यू नट्स, बीफ, लैम्ब, और मैंगोज, ग्रेव्स एटसेट्रा, इन सब के अंदर पाया जाता है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से हमें हेमरेज हो सकता है, यानी खून रुकना बंद नहीं होता है विटामिन के की अगर कमी हो जाती है, कई बार ऑपरेशन या फिर कभी कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो हमारा खून बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है, तो ये किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से होता है। अब क्योंकि विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को बहने से रोकता है, इसलिए इसको एंटी हेमरोजिक भी बोला जाता है, एंटी एंटी हेमोरोजिक बोला जाता है इसको। तो यह है विटामिन के। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। तो अब ये आगे हमारा वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका काम क्या रहता है बॉडी में, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है,
बचाने का काम और उनको हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी स्किन को, ब्लड वेसल, बोन्स एंड कार्टिलेज, इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और हमारे जो घाव होते हैं उनको जल्दी भरने में हेल्प करता है, तो ये इसके काम रहता है। और विटामिन सी जो हमारे जो खट्टे फ्रूट्स रहते हैं, खट्टे पदार्थ रहते हैं, उनमें ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, और इसके अलावा टमाटो के अंदर पाया जाता है, टमाटो जूस है, पटेटो एटसेट्रा, इन सब के अंदर और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, ये याद रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसके अलावा जो है वो क्या मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती, फटने लगती हैं, और दांत जो गिरने लगते हैं, और जो जोड़ों में सूजन रहती है, घाव जो होते हैं वो देरी से भरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाक से खून और मसूड़े जो है वो काले होने लगते हैं और फूलने लगते हैं, तो ये सब रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और मेन आपने याद रखना है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका। और खट्टे फलों में ये पाया जाता है, जो नींबू प्रकार के फल हमारे रहते हैं उनमें ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी, देखिए अब हम विटामिन बी की सारी टाइप करेंगे, B1 हमारा होता है थायमिन, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। तो विटामिन बी का काम रहता है हमारे शरीर में एंजाइम को, तरह तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और हमारे ब्लड शुगर को ब्रेक करने का ये काम करता है। इसके अलावा ये रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को देता है, और पूरा विकास करने में हेल्प करता है हमारे शरीर को। और विटामिन B1 जो है वो किन किन चीजों में पाया जाता है, इसका अच्छा स्रोत क्या रहता है, अगर एनिमल के अंदर देखा जाए तो ये पाया जाता है लीवर के अंदर, एग के अंदर पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, और वेजिटेबल्स के अंदर देखे तो ये पाया जाता है जैसे अनाजों के अंदर, अनाज के जो छिलके रहते हैं उनमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, और जो फलियों वाली सब्जियां रहती हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो गेहूं, बादाम, चावल, चने, मूंगफली, तिल, इन सब के अंदर भी ये पाया जाता है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें क्या रहता है कि जो हमारी हार्ट की मसल है वो कमजोर हो जाती है, दिल की धड़कनें बहुत कम हो जाती है, और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कमजोर हो जाता है। तो ये सब चीजें किसके अंदर होती है, बेरी बेरी के अंदर होते हैं। और दो तीन तरह का होता है ये बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, और एक होता है वेट बेरी बेरी, और एक होता है इनफेंटाइल बेरी बेरी। तो जो ड्राई बेरी बेरी रहता है इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, और जो वेट बेरी बेरी है इसके अंदर क्या रहता है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राई के अंदर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसका काम क्या रहता है बॉडी में, ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी रहता है, और हमारे जो पाचन क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और विटामिन B2 किन किन चीजों में पाया जाता है, जैसे अंडे में पाया जाता है, मीट में, दूध में, इन सब चीजों में पाया जाता है, और इसके अलावा दालों में पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है जैसे गेहूं, चना, आदि में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, ठीक है, दूध में, योगर्ट में, मीट, एग, फिश और ग्रीन बीन्स एटसेट्रा, बनानाज, इनमें पाया जाता है विटामिन B2। तो इसकी कमी से चिलियोसिस नामक रोग हो जाता है, कौन सा, चिलियोसिस। चिलियोसिस के अंदर क्या रहता है, जो हमारे जीव है, स्किन, आंखों के पास लाइनें पड़ने लगती हैं, ओठ फट जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें चिलियोसिस, तो विटामिन B2 की कमी से ये होता है, और जो पाचन क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है। आगे है विटामिन B3, इसको नायसिन बोलते हैं, और इसका काम क्या रहता है, हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ है और सेल हमारे अच्छे से काम करे इसके लिए हमें विटामिन B3 की जरूरत रहती है। और ये किन किन चीजों में पाया जाता है, चिकन, बीफ, टूना, सैलमन, मिल्क, एग, टमाटो, या फिर हरी पत्तेदार जो सब्जी है, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली, कैरेट, नट्स, सीड्स एंड लेंटिल्स, इन सब चीजों में पाई जाती है हमारी विटामिन B3। और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके अंदर डायरिया, स्किन
जो है वो फूलने लगती है और वीकनेस आ जाती है, ठीक है, शरीर के वीक हो जाता है और भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सर दर्द की शिकायत रहती है। तो ये सब चीजें हैं पेलेग्रा के अंदर, तो B3 की कमी से ये होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसका काम रहता है शरीर में एनर्जी देना एंड हार्मोन प्रोड्यूस करना। और B5 हमें मिलता है मीट के अंदर, होल ग्रेन, ब्रोकली, एवोकाडो और योगर्ट्स, इन सब चीजों के अंदर पाया जाता है B5। इसकी कमी से मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हमारे कहाँ पर बनता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या रहता है, ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कॉलिन होता है, इसकी प्रोडक्शन में B5 काम करता है। तो इसकी कमी से जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी। फिर नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरीडॉक्सिन, और इसका काम क्या रहता है, ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये किन किन चीजों में पाया जाता है, चिक पीज में पाया जाता है, बीफ लीवर, बनाना, स्क्वैश एंड नट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये दूध, अंडा, मछली, इन सब चीजों में भी पाया जाता है, और जैसे गेहूं के अंदर पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर, फलों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर भी पाया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एग, मिल्क, इन सब के अंदर भी पाया जाता है। और जो हमारे नट्स होते हैं, मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं, सूखे मेवों के अंदर पाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर B6 पाया जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, ये याद रखना है, एनीमिया होता है। और इसके अलावा पेरिफेरियल न्यूरोपैथी, ये भी इसकी कमी से होता है। नेक्स्ट इसमें है विटामिन B7। B7 को बायोटिन बोलते हैं, और विटामिन B7 इंपॉर्टेंट होता है हमारी नेल्स की, हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, और हमारे जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेन आपने याद रखना है स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हेयर एंड नेल्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसके सोर्स जो होते हैं, ये भी हमारे मांस, मछली, अंडे, इन सब चीजों में पाए जाते हैं। और वेजिटेबल्स में देखें तो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इन सब चीजों में, ब्रोकली के अंदर, ठीक है, इन सब चीजों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा चीज में, एग योक में, लीवर में, इनमें भी पाया जाता है, मशरूम में पाई जाती है, चॉकलेट, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, तो केला है, इन सब चीजों में भी पाया जाता है B7। और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस और इन्फ्लामेशन होती है इंटेस्टाइन्स के अंदर। इसके अलावा हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे हेयर फॉल होता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरालिसिस होता है, क्योंकि मांसपेशियां जो है वो कमजोर होती है। तो ये सब चीजें हैं विटामिन B7, जिसको बायोटिन बोलते हैं। आगे हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और ये किस लिए जरूरी होता है, जो DNA RNA है इसको बनाने के लिए ये जरूरी रहता है, और RBC जो रेड ब्लड सेल है उसको प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और विटामिन B9 हमें किन किन चीजों से मिलता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, और जो अनाज होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, सनफ्लावर सीड के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसके अच्छे सोर्स होते हैं। और विटामिन B9 जो है प्रेगनेंसी के दौरान काफी इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो शिशु होता है उसका विकास अच्छे से नहीं होता है। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर जो है वो फॉलिक एसिड को रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि जो शिशु का विकास है वो अच्छे से हो सके, बच्चे की दिमाग, रीढ़ की हड्डी का रोग इसकी कमी से नहीं तो हो जाते हैं। तो यह है बच्चे के विकास के लिए जो है फॉलिक एसिड इम्पोर्टेंट रहता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और ये हमारा क्या है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और ये स्पेशली जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड
की फॉर्मेशन में, रक्त के निर्माण में ये काम करता है। और ये किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है, जैसे फिश के अंदर पाया जाता है, लीवर के अंदर, एग के अंदर, मीट के अंदर पाया जाता है, और वेजिटेबल सोर्स के अंदर देखें तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, आम, संतरा, ठीक है, और दालों के अंदर भी पाया जाता है, जैसे राजमा के अंदर पाया जाता है, तो इन सब चीजों में पाया जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। और ये किसमें होता है, जिसमें कि आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं, सही तरीके से नहीं बनते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो ये भी किसकी कमी से होता है, B12 की कमी से होता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये विटामिन का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सभी तरह के विटामिन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी डिस्कस कर ली हैं, फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्युबल विटामिन कर लिए हमने, इसके फंक्शन कौन से सोर्स रहते हैं और इनकी कमी से क्या क्या रोग रहते हैं, तो यही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे मिनरल्स के बारे में, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो हमने की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दूसरी विटामिन, और तीसरा हम करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स के बारे में अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। बाकी यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आपके रहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।